Hello friends, welcome to my YouTube channel and this video will focus on tips for healthy liver. Friends, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे लीवर को स्वस्थ रखने के उपाय के बारे में। दोस्तों, लीवर हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए लीवर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लीवर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो आपको हर तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लीवर हमारी बॉडी में बहुत सारे ज़रूरी कामों को करता है, जैसे डाइजेशन में हेल्प करता है, बॉडी में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, जहरीले पदार्थ हैं, उन सबको बॉडी से बाहर करने में हेल्प करता है। तो अगर आपका लीवर सही से काम नहीं करेगा तो सारी गंदगी बॉडी में जमा होने लगेगी और आपको कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर, फैटी लीवर हो सकता है, लीवर कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो फैटी लीवर की होम्योपैथिक मेडिसिन की वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप कैसे पता करेंगे कि आपका लीवर सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर आपको राइट साइड में भारीपन महसूस हो रहा है, पेट फूला फूला सा लगे, पेट साफ नहीं रहता है, पेट में जलन सी बनी रहती है, कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होने लगे, थोड़ा सा खाना खाने से पेट फूला सा लगे, यूरिन डार्क कलर की पास होने लगे, उसमें गंदी स्मेल आती हो, ये सारे लक्षण अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप लीवर फंक्शन टेस्ट भी करवा सकते हैं या अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, उससे आप पता कर सकते हैं कि आपके लीवर में क्या प्रॉब्लम हुई है। नेक्स्ट दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ जूसेस शेयर करूंगी जिससे आप आराम से घर में बनाकर पी सकते हैं और अपने लीवर से गंदगी को साफ करके हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पानी खूब पिए, दिन घर में 10 से 15 ग्लास पानी तो जरूर पिए। आपका पेट जितना साफ होगा आप बीमारियों से बचे रहेंगे। कम से कम तेल मसालों का यूज किया करें। जो लोग खाने पर कंट्रोल नहीं करते हैं, तेल मसाले वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, उन्हें हार्ट, लीवर, किडनी से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। इसीलिए कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खाएं, ब्रोकली खाएं। आप ब्रोकली को पानी में उबाल लें और उसमें नमक डालकर उबला हुआ खाएं। डेली एक कप ब्रोकली आप खा सकते हैं। ब्रोकली में कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, थायमिन, विटामिन ए, सी, ई, के, फॉलिक एसिड एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है, जो आपके बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपकी बॉडी से सारी गंदगी को बाहर करता है और आपको हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूंगी, खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद डेली गुड़ जरूर खाएं। इससे आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। सबसे पहले आपको लेना है लौकी, धनिया, गिलोई, काला नमक और नींबू। लौकी और 50 ग्राम धनिया को अच्छे से पीस लीजिए। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, जूस बनाने से पहले लौकी को टेस्ट जरूर कर लीजिए। अगर लौकी कड़वी है तो उसका जूस मत बनाइए, और अगर लौकी का टेस्ट कड़वा नहीं है तभी आप उस लौकी का जूस बना के पी सकते हैं। दोस्तों, आपने हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा कि एक महिला की लौकी के जूस पीने से मौत हो गई, तो ये सच्चाई नहीं है। दोस्तों, लौकी के जूस से किसी की जान नहीं जा सकती है। आजकल हर चीज में मिलावट है, हाइब्रिड सब्जियां उगाई जाती हैं, इंजेक्शन का यूज किया जाता है, इसीलिए हो सकता है कि वो लौकी खराब क्वालिटी की होगी। इसीलिए हमेशा लौकी को टेस्ट करके ही मार्केट से खरीदिए। बात करते हैं जूस के बारे में। एक गिलास लौकी और धनिये का जूस निकाल लेना है, उसमें एक छोटा चम्मच हल्दी और एक छोटा चम्मच काला नमक डालना है, एक चम्मच नींबू का रस डालना है। इन सब को अच्छे से मिलाएं और एक चम्मच गिलोई के रस को भी मिक्स कर दीजिए। जूस बनके रेडी हो जाएगा। इस जूस को दोस्तों आप सुबह में खाली पेट लीजिए और शाम में भी ले सकते हैं। ये जूस आपके लीवर में जमा सारी गंदगी को साफ करेगा और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। महीने में 4 दिन लगातार पिए, फिर 4 से 5 महीने के बाद रिपीट करें। आपके लीवर को हेल्दी रखने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जूस है दोस्तों व्हीट ग्रास जूस। लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। इसे लेना कैसे है, 30 ml जूस को एक गिलास पानी में मिक्स कर दें और डेली इस जूस को खाना खाने के बाद पिएं। दोस्तों, ये जूस आपको ओवरऑल हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है, सारी बीमारियों से बचाता है। मैं व्हीट ग्रास जूस के बारे में एक डिटेल वीडियो जरूर अपलोड करूंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके किन किन बीमारियों में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।